झारखंड के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के पिता स्वर्गीय ऋजुनाथ चौधरी की नवी पुण्यतिथि 9 अगस्त को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाई गई। स्वर्गीय चौधरी की नवी पुण्यतिथि सांडी स्थित पैतृक आवास एवं जिले भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। डुलमी प्रखंड के सिरू में स्वर्गीय ऋजुनाथ चौधरी की आदमकद स्थापित प्रतिमा में माल्यार्पण भी किया गया। मुख्य रूप से सांडी स्थित पैतृक आवास में कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं श्रद्धांजलि दी गई। इस शोक सभा में स्वर्गीय चौधरी के बड़े पुत्र आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं बड़का गांव विधानसभा प्रभारी रोशनलाल चौधरी, द्वितीय पुत्र गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, तीसरे और छठे पुत्र समाजसेवी ज्योति चौधरी एवं रामगढ़ वर्तमान विधायक व पुत्र वधु सुनीता चौधरी, जिला पार्षद अध्यक्ष सुधा देवी एवं पारिवारिक सदस्यों के अलावा आजसू पार्टी के दर्जनों वरीय नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। स्वर्गीय चौधरी संघर्षशील तथा उदारवादी व्यक्ति थे, का जन्म 4 सितंबर 1939 को हुआ और 9 अगस्त 2014 को दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। पूरी जिंदगी इनका संघर्ष और आंदोलन में ही बीता। झारखंड आंदोलन की लड़ाई में इनकी अग्रणी भूमिका रही। समाज के लिए और समाज की एकजुटता के लिए हर तरह के कार्यों में इनकी तत्परता और अहम योगदान रहा। यही कारण है कि आज भी जिले के हर तबके के लोग नमाकों से श्रद्धांजलि देने और शोक प्रकट करने जरूर पहुंचते हैं एवं हर व्यक्ति की जुबा पर पूर्व प्रमुख स्वर्गीय ऋजुनाथ चौधरी का नाम और दिल पर यादें सजोए रहे हैं। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। पूरे क्षेत्र में खास करके शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उनका योगदान रहा। पूर्व शिक्षक भी रहे थे और शिक्षक की नौकरी छोड़कर भी उन्होंने क्षेत्र के लिए सेवा किया। काफ़ी लंबे समय तक रामगढ़ प्रखंड के प्रमुख के रूप में कार्यरत रहते हैं और उन्हीं का प्रेरणा है और उन्हीं का मार्गदर्शन है कि आज हम इस जगह पर विधायक और हमेशा उनके मार्गदर्शन पर हमेशा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।